प्रधानमंत्री वो हैं, वायदे वो करते हैं, वन मैन शो टू मैन आर्मी उनकी है, इतना पैसा विदेशों का पार्टी में सुना है कि जमा है कि उस पर कोई सवाल भी नहीं कर सकता है। सबसे ज़्यादा पैसा विदेशों से आया हुआ है, जगह जगह से आया हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी के और उनकी पार्टी के कोष में है। वो दूसरों पे कह रहे हैं, गरीबों पे और शरीफों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ये इनको समझना चाहिए। नोटबंदी की थी तो किस मकसद से किया था उन्होंने? इस मकसद से किया था कि काला धन वापस लेकर आएंगे, एक पैसा ला कर आ नहीं सके। कहाँ गए वो सारे काला धन? इसका माने या तो काला धन था ही नहीं, या उनका इरादा नहीं था, या फिर जब काला धन आ गया तो जहाँ गया आपको बखूबी पता होना चाहिए। इसलिए ये सब बातें अभी उनकी बौखलाहट का, प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री के लोगों के हताशा का, निराशा का परिचायक है। राइटिंग ऑन द वॉल दिखाई पड़ रही है। जहाँ जहाँ देख जा रहा हूँ और देख रहा हूँ, गठबंधन और महागठबंधन का बोलबाला है, बहुत जोर है। अभी चल चलंती बेला में ममता बनर्जी जी ने जैसा कहा है कि पॉलिटिकली एक्सपायरी डेट उनकी ख़त्म हो गई है, वो पॉलिटिकली एक्सपायरी डेट जो 23 को ख़त्म हो जाएगी, चाहे शायद 19 को ही ख़त्म हो जाएगी, अब उस समय ये सब कुछ कह रहे हैं। मैं समझता इन हालात में और ऐसी बातों में नहीं पढ़ना चाहिए, और जो कह रहे हैं ये समझ के हताशा और बौखलाहट और निराशा में कह रहे हैं, उनको माफ़ कर देना चाहिए। सब बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का नाम आ रहा है, कहा जा रहा है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है रक्षा सौदे में। मैं समझता हूँ ये सब बातें चुनाव के वक्त में ज़्यादा उछाली जा रही हैं बगैर सिर पैर के। इसके पीछे ना कोई रिसर्च है, ना कोई स्टडी है, ना कोई जिम्मेदारी के साथ दिया गया बयान है। ये अभी उनको खुद अपने आंचल पे, अपने दामन पे देखना चाहिए। इतने दाग लगे हुए हैं, लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी का घोटाला है। यहाँ तक कहते हैं लोग कि नोटबंदी के पिछले दिन ही करीब करीब 4,58,000 या 5 लाख करोड़ के करीब नोट आए। नोट कुछ कोऑपरेटिव बैंक्स में गए, कुछ बिहार में ज़मीन खरीदी गई, कुछ बंगाल में खरीदी गई, और दुनिया का सबसे बड़ा ये जो 7 सितारा पार्टी ऑफिस, अस्पताल नहीं बनवाया, विश्वविद्यालय नहीं बनवाया, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो बनाया है उन्होंने दिल्ली में पार्टी ऑफिस, ये सब लोग कहते हैं उसी तरह के कुछ कारनामों से हैं, उसी तरह के कुछ हथकंडों से हैं। अब बात रही ये उछल कर ये प्रति आरोप लगाना, ना कोई इसको मानता है, ना कोई जानता है। नहीं, अच्छे आदमी होंगे, मेरा ख्याल है विद्वान हैं वो, मैं उनकी भावना की कदर करता हूँ। कोई दुखी नहीं है कि जब से मैंने कह दिया है कि ये तो एक ख़ास स्पेशल केस है, ये हमारे अखिलेश यादव और मायावती जी से बहुत पुराने संबंध हैं, अफेक्शन है, यानी पारिवारिक मैत्री है। उनके निमंत्रण पे हमने अपनी पत्नी को वहाँ दिया है और वहाँ पे उनके हवाले किया है, जहाँ बहुत ही अच्छा वातावरण पैदा हो गया है। आप सबको खबर होगी कि बहुत बढ़िया जा रहा है वहाँ पे। कल रोड शो भी हुआ था, हमारी बेटी सोनाक्षी सिन्हा और डिम्पल यादव जी और मेरी पत्नी पूनम सिन्हा जी ने जो किया था वो भी अभूतपूर्व दृश्य था। इससे वातावरण में बहुत ज़बरदस्त उबाल आया है और संभावना वही है जिसकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं। और मैं कह दूं, इसको जो कांग्रेस के मित्र ने जैसा कहा है, उनको भी बताना चाहिए कि अंतोगत्वा हमारा लक्ष्य क्या है। हमारे लक्ष्य की पूर्ति तो वही होगी जब वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी का दौर ख़त्म हो, एक नई सरकार आए, नई सत्ता, नई व्यवस्था, नया नेतृत्व, नया प्रधानमंत्री और नया भारत। उसके लिए हम तमाम लोग प्रयत्नशील हैं, मैं भी, मेरी पत्नी भी, महागठबंधन के लोग भी, अखिलेश यादव, मायावती जी भी, यहाँ हमारे राहुल गांधी जी, उनका परिवार कांग्रेस का, सारे लोग उसी के लिए प्रयत्नशील हैं। इसलिए मैं कहता हूँ सत्यमेव जयते।